कुपवाड़ा में आतंकियों ने पाकिस्तान की बैट की मदद से भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की है। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में 8 आतंकवादियों ने पाकिस्तान की बैट फोर्स की मदद से भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की और भारतीय पोस्ट को निशाना बनाया। तो 8 आतंकवादियों ने यह घुसपैठ की कोशिश की है, बैट की मदद से आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की है कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में और भारतीय पोस्ट को निशाना भी बनाया गया है। और जानकारी इस पर ले लेते हैं हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा, इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्ण, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस खबर पर? सबसे पहले कि ये डे लाइट अटैक था, बहुत ज्यादा दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई थी, बैट एक्शन था। बैट यानी कि इसमें आतंकवादियों के अलावा पाकिस्तानी सेना के लोग भी हो सकते हैं। बैट जो दस्ते होते हैं उसमें आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना के लोग मिले जुले होते हैं। 1 बजे के करीब की ये हमले की घटना, एक सेना की पोस्ट पर हमला करने की कोशिश की गई। जाहिर है जब बैट एक्शन होता है तो वो बीहेडिंग की कोशिश करते हैं जिससे बहुत ज्यादा उत्तेजना फैले, लेकिन इस हमले को फिलहाल अभी जो खबर आई है नाकाम कर दिया गया है। हालांकि अभी भी फायर फाइट चल रही है, बहुत जबरदस्त वहां पर मुठभेड़ चल रही है। मीमांसा इस चीज की आशंका लगातार जताई जा रही थी कि ये हफ्ता चूंकि सर्जिकल स्ट्राइक की एनिवर्सरी है 29 तारीख को, इस दौरान ऐसी आशंका थी कि पाकिस्तान की तरफ से बड़ी कार्रवाई होंगी और पिछले 3 दिन में जो एक्शन देखे गए उससे इस बात को पुख्तगी मिली और साथ ही इनपुट्स जो हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक हैं कि आतंकवादियों के गिरोह इस समय इन्फिल्ट्रेशन करने की, बैट एक्शन करने की लगातार फिराक में है। और उसी के सिलसिले में चूंकि अलर्ट बहुत ज्यादा हाई लेवल का है इसलिए इनको डिटेक्ट किया गया वक्त रहते और फिलहाल फायर फाइट के जरिए इनको खदेड़ दिया गया है अभी तक की खबर मिलने के बाद। जी कृष्ण, जैसा बता रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक की जो एनिवर्सरी है ऐसे में ये घुसपैठ की जो कोशिशें लगातार हो रही हैं सीमा पार से, और ये जो खासतौर पर ये जो केरन सेक्टर है यहाँ पे तो बार बार देखा जा रहा है घुसपैठ की कोशिश हो रही है, ऐसे में जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो कितने मुस्तैद हो चुके हैं इस वक्त सीमा पर कि ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम कर दिया जाए? अलर्ट हाईएस्ट लेवल का है। 3 दिन पहले उड़ी में मुठभेड़ शुरू हुई थी और जिसमें कि 4 आतंकवादी मारे गए थे, उनसे मिली उस समय हाईली ट्रेंड। जी कृष्ण, आपकी आवाज कट कर आ रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट है इस वक्त सीमा पार से जिस तरह से घुसपैठ की कोशिशें लगातार की जा रही हैं और इसमें बैट फोर्स भी शामिल थी, ये अहम बात है। आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, 8 आतंकवादी थे ये कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में और इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया।